दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की है कि गर्भ कब और कैसे ठहरता है, जिसके अंदर ओव्यूलेशन का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है। ओव्यूलेशन क्या होता है, आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों ओव्यूलेशन के ऊपर, यानी कि ओव्यूलेशन क्या होता है, ओव्यूलेशन का क्या समय होता है, कब ओव्यूलेशन होता है, कितने दिन तक वो रहता है, ओव्यूलेशन का मतलब पीरियड कौन सा है, कौन से दिनों में ओव्यूलेशन होता है, साथ में ओव्यूलेशन जब होता है तब कौन से सिम्टम दिखाई देते हैं, या फिर ओव्यूलेशन हुआ कि नहीं हुआ इसका टेस्ट कैसे किया जा सकता है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में जानेंगे। साथ में दोस्तों ओव्यूलेशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इस वीडियो के अंदर आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ओव्यूलेशन के ऊपर पूरे डिटेल में वीडियो है, सब कुछ इसके अंदर कवर कर दिया जाएगा। अगर कुछ भी रह भी जाता है, अगर आपके मन में है कोई सवाल के ओव्यूलेशन के ऊपर कोई भी सवाल हो, तो आप कॉमेंट जरूर कीजिएगा, अगर उसका जवाब मैं अगली वीडियो में दे दूँगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं ओव्यूलेशन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश पटेल, आप देख रहे हैं अंतरंग चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ओव्यूलेशन के बारे में। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होती है, जिसके अंदर ये गर्भ की जो दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड में जो ओवरी होती है, जिसको गर्भाशय के साइड में जो अंडाशय होता है दोनों साइड में, जिसको इंग्लिश में ओवरी कहा जाता है, जिसके अंदर हर 28 दिन में एक अंडे परिपक्व बनता है। 28 दिन में, किसी को 30 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये 28 दिन का जो इसका समय होता है ओवेरी का, यानी कि एक परिपक्व अंडा बनता है। यहाँ पर देख सकते हैं इसी प्रकार से ये जो अंडा है, यहाँ से देख सकते हैं सबसे पहले शुरुआत से यहाँ पर बनता है, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा जब अंडा बन जाता है, परिपक्व बन जाता है, तब यहाँ पर जो ये ओवेरी है पूरा उनसे ये अलग होकर फैलोपियन ट्यूब जो होती है इसके अंदर आता है। ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो ओवेरी के अंदर जो ओव्यूलेशन जब होता है, जिसको यानी ओव्यूलेशन यानी कि ओवेरी के अंदर जो अंडा होता है, स्त्री बीज जिसे कहते हैं, वो यहाँ से अलग होता है, उसको ओव्यूलेशन कहा जाता है। अब ये कब होता है तो दोस्तों बताइए, इस प्रकार से 28 दिन का जो 28 दिन में एक बार ये होता है, हर एक का 28 दिन, जिसको मेस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, 28 से 30 दिन का फीमेल मेस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसके बीचों बीच ये होता है, फिक्स नहीं होता है, लेकिन इसका जो टाइम देखें तो 10 से 19 पीरियड जो होता है उसके 10वें दिन से 19 के दिन के बीच में ये ओव्यूलेशन होता है, और उसका जो दिन देखें तो कभी भी हो सकता है, इसका कोई फिक्स नहीं होता है। 10 दिन के बाद में लेकर 19 दिन उसके बीच में कभी भी अंडा यहाँ पर ओवेरी से बाहर आता है, जिसको ओव्यूलेशन कहा जाता है, यानी कि ये कब होता है, इसी को अगर हम जान लें कि ये कब हुआ है, और उसी समय इसको अगर संबंध किया जाए, रिलेशन किया जाए, तभी गर्भ ठहरने की शक्यता बढ़ जाती है। दोस्तों अगली वीडियो में मैंने बताया इस प्रकार से, यहाँ पर देख सकते हैं जो अंडे अलग होकर यहाँ फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पर 24 से 48 घंटे तक रहता है। यहाँ तक जब ये जो गर्भाशय यहाँ पर स्पर्म आता है, जो शुक्राणु, वो अगर इसके अंदर गति करता जब फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से, अगर यहाँ पर आ जाता है और ये जो अंडा होता है इसको भेद कर अंदर उसका मिलन हो जाता है, तब गर्भ ठहर गया ऐसा हम कह सकते हैं। अगर ये शुक्राणु अगर जो गति करता हुआ ये फैलोपियन ट्यूब तक नहीं आता है, इसके अंदर फलन होता है, फर्टिलाइजेशन जिसे कहता है, वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। अंडा अगर आगे बढ़ते हुए 24-48 घंटे तक अगर कोई शुक्राणु उनसे नहीं मिलता है और वो जो गर्भाशय में चला जाता है, तो वो बाद में रप्चर हो जाता है और आगे के जो पीरियड होता है वो आ जाता है। इस प्रकार से ओव्यूलेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन के लिए 2 से 3 दिन का मैक्सिमम समय होता है। उस समय में अगर संबंध किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ऐसे तो शुक्राणु का जो दिन होता है वो 7 दिन तक गर्भाशय में जिंदा रहते हैं, लेकिन उसको गति करने के लिए भी दोस्तों यहाँ पर वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, सर्विकल जिसको कहते हैं, सर्विकल म्यूकस जो होता है उसके अंदर भी एक गाढ़ापन आ जाता है, जिनके कारण जो शुक्राणु उसकी गति को एक प्रकार की उस पर मिल सके, ताकि वो फैलोपियन ट्यूब में जाकर जो भी अंडे हैं, विकसित अंडे उसको मिल सके, ताकि जो फर्टिलाइजेशन हो सके, इसके लिए ये सब प्रोसेस होती है, नेचुरली होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ओव्यूलेशन के बारे में मैंने बताया, उसका जो 10 से 19 के दिन के बीच में उसका ओव्यूलेशन होता है, और ओव्यूलेशन होने के बाद ये 12 घंटे से लेकर 48 घंटे तक वो फैलोपियन ट्यूब में रहता है, उसके बाद में वो आगे जाकर गर्भाशय में आ जाता है, जिनके कारण अगर उस समय फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कुछ भी नहीं हो सकता उसके बाद में, यानी कि गर्भ नहीं ठहरता है, वो आगे जाकर पीरियड में मिस हो जाता है। चलो, इस प्रकार से मैंने बताया ओव्यूलेशन
कैसे होता है उसके बारे में, ओव्यूलेशन क्या होता है इसके बारे में भी बताया, कितने दिनों का होता है वो भी मैंने आपसे बात की। अब दोस्तों बात करते हैं कि सिम्टम क्या होते हैं। दोस्तों जब ये ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस होती है तब जो फीमेल हॉर्मोन्स होता है जिसको लुटेनाइजिंग एजेंट लुटेनाइजिंग हॉर्मोन्स कहा जाता है, एलएच जिसको कहा जाता है, उसका स्तर बढ़ जाता है और वही स्तर बढ़ने के कारण सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है वो एक प्रकार का स्तन के अंदर एक प्रकार का खिंचाव या फिर हल्कापन महसूस होता है स्तन के अंदर, ये हॉर्मोन्स के कारण ही होता है। दूसरा जब ये ओव्यूलेशन होता है उस वक्त जो नॉर्मल जो डिस्चार्ज होता है वेजेनिक अंदर देखा है हमने, एक प्रकार का पतला सा लुब्रिकेंट होता है जो उस वक्त यानी कि ओव्यूलेशन के दरमियान जो एक प्रकार का सर्वाइकल म्यूकस है उसका गाढ़ापन हो जाता है। और जिसको एक प्रकार का देखे तो जो कच्चा अंडा अगर तोड़ते तो जिसके अंदर एक प्रकार का व्हाइट व्हाइट जो निकलता है वो एक इस प्रकार का गाढ़ा हो जाता है, जो डिस्चार्ज देखे तो वो भी चेक कर सकते हैं। उन दिनों में ये एक प्रकार का सफ़ेद व्हाइट गाढ़ा जैसा होता है उसको अगर चेक करते उंगली से तो आप एक इंच तक वो लंबा चिकना सा चिपका हुआ रहता है, इस प्रकार से इमेज देख सकते हैं, इस प्रकार से आप टेस्ट कर सकते हैं, उस वक्त आप समझ सकते हैं कि ओव्यूलेशन हुआ है। ये एक सिम्टम्स होता है। दूसरा जो टेम्परेचर का होता है, शरीर का टेम्परेचर नॉर्मली बढ़ जाता है, ये इसको चेक करने के लिए आपको शुरुआत से लेकर आपको पूरे 28 दिन तक आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा टेम्परेचर का, सुबह उठकर एवरी डे आपको चेक करना पड़ेगा नॉर्मल से जब बढ़ता है, बीच में जब भी बढ़ता है लगातार 1 से 2 दिन तक वो बढ़ता ही रहेगा, मतलब बढ़ेगा 1 से 2 सेंटीग्रेड। जैसे नॉर्मल टेम्परेचर 37 होता है तो ये हो सकता है 38 या 39 तक भी जाए। इस प्रकार से आपको रेगुलर उसको चेक करेंगे तब पता चलेगा। उसके बाद में जो सिम्टम बोले तो एक प्रकार एब्डोमिनल पेन होता है, पेट के नीचे कुछ मिनट के लिए या फिर घंटे तक भी ये दर्द रहता है, हल्का सा दर्द, वो अपने आप ठीक भी हो जाता है, लेकिन ये एक भी सिम्टम्स है। उसके अलावा दोस्तों एक प्रकार की आपको कामेच्छा में वृद्धि होती है स्त्री को, ये भी नेचुरल है, उस वक्त वेजेनियल के अंदर एक प्रकार का डिस्चार्ज होता है। और दूसरे जो हॉर्मोन्स का जो सेक्रेशन होता है जिनके कारण हमें त्वचना भी होती है, जिनके कारण सेक्स की इच्छा भी होती है, ये भी एक सिम्टम्स है। इस प्रकार से किसी को नोसिया वॉमिटिंग भी होती है या फिर हेडेक जैसी भी समस्या होती है, तो ये सब आपको सतर्क रहना पड़ेगा। ये जो सिम्टम दिखाई देते हैं उस वक्त जब ओव्यूलेशन होता है तब ये सिम्टम दिखाई देते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ टेस्ट किया जाए तो दोस्तों सबसे पहला टेस्ट तो बाजार में ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर नाम के किट मिलती है, जिस प्रकार से प्रेगनेंसी किट जो होती है प्रेगनेंसी को टेस्ट करने के लिए उसी प्रकार से ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर किट आती है, जिसके अंदर देखे तो वो भी एक जो हॉर्मोन्स मैंने बताया लुटेनाइजिंग हॉर्मोन्स होता है एलएच, उसका स्तर बढ़ जाता है तो यो यूरिन के अंदर उसका भी कुछ अंश आता है, जिनके कारण ये जो किट होती है वो डिटेक्ट करता है। अगर एलएच यूरिन में दिखाई देता है निश्चित हो जाता है कि ओव्यूलेशन हुआ है। इस प्रकार से ये किट काम करती है तो वो भी बाजार में आपको मिल जाएगी। वो अगर लाकर आप घर पर अगर पेशाब की अगर चेक करते यूरिन टेस्ट करेंगे इस प्रकार से, वो भी प्रेगनेंसी किट की तरह होती है, वो आप टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो दूसरा टेस्ट है वो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, मैंने बताया इस प्रकार से उसको आपको चेक करना पड़ेगा। उसके अंदर मैंने बताया इस प्रकार से जो सर्वाइकल म्यूकस जो होता है पहले नॉर्मल होता है थोड़ा पतला होता है लेकिन उस समय वो गाढ़ा थोड़ा हो जाता है, ये देख सकते हैं। उसी प्रकार से आप उसको उंगली से भी टेस्ट कर सकते हैं, अगर देखेंगे तो चेक करेंगे तो एक प्रकार का 1 इंच तक वो लंबा अगर है तो समझ लेना कि ओव्यूलेशन हुआ है। इस प्रकार से ये सब टेस्ट भी किया जा सकता है। इस प्रकार से मैंने आपको ओव्यूलेशन के बारे में बताया, ओव्यूलेशन ऐसे कब होता है भी मैंने बताया, उसके बाद में ओव्यूलेशन के सिम्टम्स क्या है, कौन से सिम्टम दिखाई देते हैं, उसका टेस्ट कैसे किया जा सकता है घर पर भी या फिर किट के साथ कैसे टेस्ट किया, सब कुछ इसी वीडियो में बताया। इसके अलावा दोस्तों कोई और भी क्वेश्चन है अगर ओव्यूलेशन के ऊपर तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। मिलते हैं ऐसी प्रेगनेंसी पर जो सीरीज चल रही उसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।